रोशनी मेरे साथ रहने वाली है, मैं उसके साथ हूँ। जितनी जल्दी आप ये बात एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है आपके लिए, मेरे लिए और इस परिवार के लिए। एक मिनट मॉम, बहुत लड़ाई लड़ चुका हूँ मैं रोशनी को पाने के लिए, एक और लड़ाई अपनी ही माँ के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। तू बताएगा भी मुझे कि ट्रक की तरह ऊपर चढ़ जाएगा मेरे? और वैसे भी मैं इन मसले में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, समझा तू? कौन से मसले में नहीं पढ़ना चाहती आप? ऐसा कौन सा मसला है जिसमें इन्वॉल्व नहीं है आप? हर मसले में तो इन्वॉल्व है आप, ये जानते हुए कि मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। ओ, रोशनी से तू प्यार करता है, ठीक है। रोशनी तुझसे प्यार करती है पता ना सिर्फ? तुझे लगता है ना कि रोशनी तुझसे प्यार करती है? हाँ यही लगता है ना तुझे? ठीक है तो ये देख ना, मुझे मत देख, यहाँ देख। देख ये क्या है, क्या है ये सिर्फ? देख इस वीडियो को। देख लिया ना तूने, अपनी आंखों से खुद देख लिया ना तूने सिर्फ? मुझे भी ऐसे ही अटपटा लगा था पहले, मुझे भी इन सारी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि तू पता नहीं क्या आला बकता जाता था हमेशा, कुछ ना कुछ बताते रहता था कि रोशनी मुझसे प्यार करती है, माँ करती है मुझसे, लेकिन खुद देख लिया ना तूने, सबके सामने उसने नील से कहा है कि वो उससे प्यार करती है। प्लीज प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करने, मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तू भी कर लेगा ना तो सबके लिए अच्छा होगा। ये झूठ है, ये झूठ है, दिस कांट बी ट्रू। ये सब कुछ आपका किया था रहा है, मुझे अभी इसी वक्त रोशनी से बात करनी है। जी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू रोशनी से बिल्कुल बात नहीं करेगा सिर्फ, क्योंकि यही सच्चाई है। और उसने सबके सामने कह दिया है ना नील को कि वो उससे प्यार करती है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? वो रोशनी रोशनी नहीं है, रागिनी है, नील की रागिनी, वो उससे प्यार करती है। और तू उन सबके बीच में क्यों आना चाहता है? क्यों उसकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है? प्लीज मत करिए सब। वो सेन गुप्ता हाउस में रहती है, वहां पर जो तेरा ससुराल है। वो मेरा ससुराल नहीं है मॉम, वो मेरा ससुराल नहीं है, और ना ही वो रोशनी का ससुराल है। मैं आन्या से प्यार नहीं करता, रोशनी नील से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, और मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है, राइट नाउ। ठीक है, जा तू, जा अपने ससुराल में जा और बता दे एंडी को तू रोशनी से मिलने जाना चाहता है ना। जा जा रोशनी से मिल, कह दे नील के सामने रोशनी को कि तू उससे प्यार करता, रोशनी तुझसे प्यार करती थी। जा कह दे, कह दे एंडी को कि आन्या से तू शादी नहीं करना चाहता है, कह दे कि तू आन्या से प्यार नहीं करता है। क्या होगा, सदमे में आ जाएगी ना, शॉक लग जाएगा ना, मर जाएगी ना वो। और ठीक ही तो है ना, ठीक है, क्या करेगी? जिसकी लड़की शादी होने से पहले उसकी शादी टूट जाती है, वो क्या करेगी? और सदमे में मर ही तो जाएगी ना इसी माँ। जा, 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 जा के कहते, कहते ना एंडी से, जा ना, जाता क्यों नहीं है अब? भगवान प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यस जोकर है सिद्धार्थ, तुम यहां कैसे आए सिद्धार्थ? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना, पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ए सरोजनी बिटिया, ए थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो,
अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,